भारत में आज भी कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पर रात के एक या अमूमन 2 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता है। वहां स्टेशन पर लगी फूड स्टॉल से लेकर वहां पर काम कर रहे एक एक लोग या तो सो जाते हैं या फिर घर चले जाते हैं। मैं गर्वित, मेरी उम्र 23 साल है और मैं इस बीन स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ। ये स्टेशन थोड़ा गांव से दूर है, यहाँ आसपास या तो खेत है या फिर पहाड़, और ये इतना चालू स्टेशन नहीं है, तो यहाँ बस इक्का दुक्का ट्रेनें ही रुकती हैं और वो भी दिन में। मेरी जॉब लगे यही कुछ 1 सप्ताह हुआ है। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 20 दिन ही रुक पाता है। मुझे गार्ड ने बताया कि साहब वो जो पिछले स्टेशन मास्टर जी थे उनकी लाश मिली थी वहाँ उस पटरी पर। मेरी वैसे तो डे ड्यूटी है तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे रात में भी रुकना पड़ेगा। तो क्या हुआ, रुक लूँगा, कौन सा एक रात रुकने से कुछ हो जाएगा। मैं ऐसे ही खुद को अंदर से मजबूत बना रहा था, लेकिन सच बताऊँ तो डर मुझे भी लग रहा था। मैंने दिन भर आराम से ड्यूटी की, ज़्यादा काम नहीं होता यहाँ तो एकदम आराम रहता है। काम करते करते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। एक दो फूड स्टॉल वाले हैं यहाँ जो शाम में अपनी दुकान जल्दी ही बंद कर देते हैं क्योंकि रात में यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती। इसलिए मैंने सोचा इन्हीं से कह के अपने लिए थोड़ा सा खाना रखवा लेता हूँ। तो मैंने एक स्टॉल वाले से कहा, मोहित सुन मेरे भाई, 2 पेटीज रखते जाइयो, आज रात में भी रुकना है यहाँ। तो स्टॉल वाले मोहित ने कहा, क्यों भैया, आज आपको भी देखना है क्या उसे? देख लीजिएगा, बहुत सुंदर है वैसे। ये सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, किसको किसको देख लेना, कौन आता है यहाँ रात में? तो मोहित ने कहा, आता नहीं, आती है। वो दरअसल लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी यहाँ इन पटरियों पर भटकती है। इतना सुनने के बाद मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया, लेकिन मुझे ना जाने क्या सूझी, मैंने मोहित से एक बार और पूछा, भाई मोहित किसकी आत्मा, क्या क्या बकरा है यार तू? मोहित ने कहा, उधर से एक लड़की थी जो पास के ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, और जब वो लड़के के घर वालों को पता चला तो उन लोगों ने लड़के की शादी ज़बरदस्ती कहीं और करा दी। फिर इसी स्टेशन के सामने किसी ट्रेन के आगे उसने अपनी जान दे दी। जो वो पहले वाले स्टेशन मास्टर जी थे ना, वो उस रात थे ड्यूटी पर, फिर कुछ दिनों के बाद उनकी भी लाश मिली थी यहाँ। इतना सुनकर अब मेरा यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात के 8 बजे पूरा सन्नाटा पसर गया इस स्टेशन पर। मुझे भूख लग रही थी, मैंने पेटीज निकाली और उसको खाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बैठा ही था, तब तक घर से फ़ोन आ गया। यहाँ अंदर नेटवर्क नहीं होता तो मैंने सोचा बाहर निकलकर बात कर लूँ। इतना सोचकर मैं बाहर निकल आया। फिर बात करते करते और टहलते टहलते मैंने देखा मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ। यहाँ से प्लेटफॉर्म ख़त्म होकर खेत शुरू हो जाता है। फिर मैंने फ़ोन रखा और वापस स्टेशन की तरफ चल दिया। मैं थोड़ा ही दूर आया होगा कि मेरे पीछे पीछे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने थोड़ी दूर तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे सचमुच लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई, पता नहीं क्यों जैसे मैं आगे ही नहीं जा पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था। फिर मैं पूरी जान लगाकर वहां से भागा। भागते भागते मैंने देखा मेरे से भी तेज एक लड़की पटरियों के बीच से होकर मुझसे तकरीबन 200 मीटर दूर खड़ी हो गई। मैं भागते भागते अब स्टेशन के अंदर आ गया था।
वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी मुझे ही देख रही थी। ये शायद वही है जिसके बारे में मुझे मोहित बता रहा था। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। इतना सोचकर मैं अंदर आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आया। फिर ना चाहते हुए भी मेरी नज़र वहाँ गई जहाँ वो लड़की खड़ी होकर मुझे देख रही थी। वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और अब प्लेटफॉर्म पर बने सिटिंग चेयर पर बैठकर फोन चलाने लगा। रात के 11 बज रहे थे। मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। फिर मैं सिटिंग चेयर से उठा और फिर वापस स्टेशन के अंदर जाने के लिए मुड़ा। मैं अब साफ साफ देख पा रहा था, वही लड़की अंदर मेरी कुर्सी पर बैठकर मुझे देखकर हंस रही थी। मैं वहीं एकदम बर्फ के जैसे जम गया। उसके बाद वो लड़की वहां अंदर कुर्सी से उठी और मेरे सामने तक आई। फिर धीरे धीरे मेरे बगल से होकर पटरियों तक जाकर कहीं गायब हो गई। उसके बाद उस रात और कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके बाद वहां से ट्रांसफर ले लिया है और अब फिर एक सुनसान स्टेशन पर नौकरी कर रहा हूं।